आज सुबह 5:30 बजे 113 बटालियन की डेरा बाबा नानक रोड बीओपी के इलाके में बॉर्डर पिलर 42 के नज़दीक सीमा सुरक्षा बल का बहादुर जवान कांस्टेबल हेमराम जब भयंकर धुंध में पेट्रोलिंग कर रहा था तो उसने पाकिस्तान की तरफ से संदेहास्पद आवाज़ सुनी। उसे लगा कोई पाकिस्तान की तरफ चल रहा है। उसने तुरंत चैलेंज करा और जो ही उसने चुनौती दी पाकिस्तान की तरफ से भारी तादाद में हमारे बहादुर जवान की तरफ फायर करा। हमारे जवान ने बिना धैर्य खोए उस फायर का जवाब, दुस्साहस का जवाब दुगनी गति से दिया और बहुत मजबूती से उसने 25 राउंड तुरंत फायर करे। इसी बीच में जो हमारी टीम रहती है और जो पेट्रोल कमांडर थे सब इंस्पेक्टर अमरपाल, वो भी तुरंत आ गए और उन्होंने सबने मिलकर के जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आ रही थी उसका कठोरता से जवाब दिया। फायरिंग काफ़ी देर तक चलती रही और हमारे जवान भी पूरे साहस के साथ उसको जो पाकिस्तान की तरफ से स्मगलर का नापाक कोशिश थी उसका जवाब देते रहे। इसी बीच में हमें भी खबर लग गई कि इस तरह का अटैम्प हुआ है और कमांडेंट साहब जो नज़दीक की पोस्ट पे घनिए के पे तैनात थे पेट्रोलिंग कर रहे थे और मैं खुद गुरदासपुर से तुरंत यहाँ के लिए पोस्ट के लिए रश करा क्योंकि धुंध बहुत थी और हम भी यहाँ पहुँच गए। हमारे पहुँचने के बाद हमने फेंसिंग का गेट खुलवाया और पूरी पार्टी के साथ इलाके की सर्च करी। सर्च अभी भी जारी है और धुंध काफ़ी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब हम वहाँ पर गए जिस एरिए पे हमारे जवान और पाकिस्तानी स्मगलर्स के साथ फायर हुआ था तो वहाँ पर फेंसिंग से कोई 30 मीटर दूर एक 15 फीट लंबा पाइप पड़ा हुआ था जिसके अंदर एक कपड़े के अंदर स्मगलिंग ये हेरोइन के पैकेट पड़े हुए थे। तो जब हमने उस पूरे उनको बाहर निकाला कपड़े के उसको तो उसमें 20 जो आपके सामने ये रखे हुए हैं 20 पैकेट ये हेरोइन प्रतीत होती है और इसके अंदर किसी में 1 किलो, किसी में 1.25 किलो या किसी में 900 ग्राम, इस तरह से ये लगता है इसके अंदर भरी हुई है। इसके अलावा जब हमने फिर इलाके की सर्च करी तो वहां पर पेड़ 2-3 पेड़ थे जहां पर ऐसा लगता था कि 2-3 स्मगलर और जो उनके स्मगलरों के साथ एस्कॉर्ट करते हैं वो हथियार लेके बैठे थे। वहां पर 2 पिस्टल जिसमें से एक चाइना मेड एक तुर्की मेड है, 6 मैगजीन और 242 दोनों पिस्टल के लाइव राउंड मिले। इलाके की लगातार सर्च जारी है और 1-2 घंटे में जब ये धुंध हट जाएगी उसके बाद ही पूरा पता लग पाएगा कि कोई पाकिस्तानी इसमें मारा भी गया या कुछ और भी सामान वहां पर पड़ा हुआ है। पर सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ये बहुत बड़ी एक सीजर करा गया है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो चुनौती पेश की जा रही है, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक बहादुर जवान अपनी सजगता के कारण, अपनी चौकसी के कारण, अपनी कर्तव्य परायणता के कारण और पूरी जान की बाजी लगा करके इस बात के लिए समर्पित हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कल रात को ही धर्म प्रकाश हमारी एक बीओपी है वहां भी एक ड्रोन के द्वारा अटेम्प्ट करा गया, हमारे बहादुर जवानों ने उस पर भी काफी फायर करा है। पुलिस स्टेशन रामदास का एरिया है उस इलाके में भी अभी सर्च चल रही है और परसों भी हमारे सजग जवानों ने शाहपुर एक एरिया है पुलिस स्टेशन रामदास उसमें इलाके की जब वो सर्च कर रहे थे ऐसे ही पेट्रोलिंग कर रहे थे तो 2.3 केजी हेरोइन वहां भी बरामद करी है।
तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा कितनी दुस्साहस के साथ यहाँ पर ड्रग्स और हथियारों को भेजा जा रहा है। और सीमा सुरक्षा बल हमेशा की तरह प्रतिबद्ध है कि हम इनकी हर चाल को नाकामयाब करेंगे, इनके दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो गलत नजर हमारे ऊपर डालेगा उसको हम बहुत उस भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। थैंक यू, जय हिंद। सर, अगर देखा जाए तो जो लोग इधर से गए होंगे इस खेप को लेने, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है या तफ्तीश की जा रही है? हाँ, उनकी जानकारी हम लगातार हासिल कर रहे हैं और हम पुलिस को भी शेयर कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है। एसएसपी ने अभी कल ही ज्वाइन करा है, मिस अश्वनी है, अभी वो भी आए थे, और दोनों मिलकर के हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं कि जो ये नेक्सस है और जो इंडिया के रिसीवर्स हैं ये किसी भी तरह पकड़े जाएं, क्योंकि इनका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान तभी दुस्साहस कर रहा है जब जयचंद हमारे इलाके के उससे मिले हुए हैं, और इस इलाके में ये तीसरी बार इन्होंने पिछले 1.5 महीने में ये दुस्साहस करा है, और इससे पता पड़ता है कि मामले की ग्रेविटी कितनी है, कितनी संजीदगी यहाँ पर मतलब इस इलाके को पुलिस और बीएसएफ को करनी पड़ेगी। तो कोई जो पाकिस्तानी तस्कर थे, कोई जख्मी भी हुआ उसमें? पाकिस्तानी तस्कर अभी इलाके की सर्च करेंगे तो जख्मी हुआ जो हम इमीडिएट जाके देखे तो अभी भी धुंध है जैसा आप देख रहे हैं, तो फिर बाद में ही पता पड़ेगा। खून वहां पे तो नहीं पड़ा, एक्चुअली पेड़ों के पीछे वहां पे वो छुपे हुए थे, आड़ लेकर के रहते हैं, और अकस्मात होता है तो मतलब चांस की बात है, पर भविष्य में निश्चित हम उनको मार गिराएंगे। सर, जहां से ये सारा सामान बरामद हुआ है उसके बिल्कुल सामने पाकिस्तान की कौन सी चौकी है? पाकिस्तान की खोकर बंद पोस्ट है, और ये लगातार ये लोगों का कहीं ना कहीं इनमें सहयोग रहता है, तभी इतने नजदीक आकर के और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार प्रोटेस्ट नोट देते हैं, फ्लैग मीटिंग करते हैं, बताते हैं। पिछले साल इनके खुद के सेक्टर कमांडर के साथ भी हमने कहा था कि आप लोग कठोर कदम उठाइए, ताकि ये, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।